तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारा 952 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू लाइक माय कंटेंट। आज के वीडियो में एक दोस्त का हम क्वेश्चन एड्रेस करने जा रहे हैं। उन दोस्त का क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइए कि हम गूगल वेब स्टोरी से कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या हद है इसकी, कितना पैसा हमें पर डे मिल सकता है यहाँ से, क्या ये पेमेंट रेगुलर हो सकता है और क्या ये कभी कभी आएगा। ये क्वेश्चन है उन भाई का, तो मैं उसको बिल्कुल एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए दोस्त, अगर आप गूगल वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो और आप डेडिकेटली काम कर रहे हो, अगर आप डेली के 5 से 10 वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत अच्छा से मेरा मतलब ये है कि अगर देखिए, कुछ लोगों का ना कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा अभी ना गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ है तो क्या मुझे पैसा अर्न हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त, गूगल एडसेंस से ही ये मोनेटाइज होता है। तो गूगल एडसेंस आपका पहले अप्रूव होना चाहिए आपके वेबसाइट पर, उसके लिए आप 10-12 आर्टिकल लिख के उसे अप्रूव करा सकते हैं, या जल्दी अप्रूव कराने के लिए भी मैंने अपने इस पे वीडियो आखिरी उस पे बताया था किस तरीके से आप जल्दी अप्रूवल ले सकते हो गूगल एडसेंस का, उसे मैंने वीडियो बना रखा है। तो देखिए, बैक टू द पॉइंट आते हैं कि अगर आप डेली वेब स्टोरी बनाते हो 5 से 10 और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, और अगर आपकी वेब स्टोरी US में रैंक करती है, अगर US से आपका ट्रैफिक आता है और वहां के लोग आपके वेब स्टोरी को देखते हैं, तो आप डेली के $100 से भी ऊपर कमा सकते हो। अब डेली का $100 मतलब इंडिया का, जैसे कि पता हो डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो अगर $100 करें तो आप देख सकते हो कि 8,234 रुपए आप कमा सकते हो पर डे का। ठीक है, चलो मान लो कि आप $100 नहीं भी कमाते हो, $50 कमाते हो, तो 4,117 रुपए आप कमा सकते हो। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपकी वेब स्टोरी बाहर की है और बाहर में रैंक करती है, तो $50 या $100 कमाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ये चीज कमा सकते हो। बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार $100 एक दिन का आप कितना ज्यादा होता है। नहीं दोस्त, मैं आपको बता दूं कि YouTube पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली इतना अर्निंग कर रहे हैं और इससे ज्यादा कर रहे हैं। उनकी एज भी इतनी नहीं है यार, 16-17 साल के बच्चे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं वेब स्टोरी से काम करके। देखो, वेब स्टोरी को ना गूगल पुश कर रहा है क्योंकि ये एक नया फीचर है और इस पे गूगल काम कर रहा है, लोगों को ये पुश कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसे कमा सके। ठीक है, कोई भी नया फीचर बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे दोस्त? अगर आपका ट्रैफिक इंडिया का है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि मेरी हिंदी वेबसाइट है और आपका ट्रैफिक इंडिया से आता है, तो यहाँ कंपैरेटिवली आपका जो पैसा होगा वो कम होगा क्योंकि यहाँ का मैक्स टू मैक्स जो आपका CPC होता है 0.06 का होता है। तो भी आप डेली के $10 तक कमा सकते हो। अब $10 की अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं यहाँ $10 लिखता हूँ, फिर भी 823 रुपये आप डेली का कमा सकते हो। समझ रहे हैं आप? $10 तक आप इंडियन वेबसाइट पे भी कमा सकते हैं, इंडियन वेब स्टोरी बनाकर भी कमा सकते हैं। हालांकि अगर आप वेब स्टोरी हिंदी पे भी बना रहे हो लेकिन आपका टारगेटेड ऑडियंस USA के हैं और USA में आपकी वो रैंक करती है, तो आप ज़्यादा पैसा ही कमाओगे। तो बोथ एंड से जो आपकी वेब स्टोरी है वो विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे लूज करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है नहीं और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना का नहीं है। 4-5 आप वेब स्टोरी डेली का बनाओ, आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में वेब स्टोरी बनाने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि भाई आपने सीखा नहीं होता है कि स्लाइड्स कितनी रखनी है या कि क्या लिखना है, टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ना डिजिटल विला पे आप देखेंगे कि हमारा प्लेलिस्ट है जिसपे हमने वेब स्टोरी का प्लेलिस्ट बना रखा है। इस पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, शुरू से मिल जाएंगी, आप सारी वीडियोस यहां से देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर ये सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त वेब स्टोरी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हम और से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स पर, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।